हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल समाराज कुकिंग वर्ल्ड। आज हम बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी स्वीट्स, कस्टर्ड पुडिंग। वो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, तो चलिए देख लेते हैं उसको बनाने के लिए हमको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए और उसको हम कैसे बनाएंगे। कस्टर्ड के लिए हमें 1 लीटर दूध के लिए हमने लिया हुआ है ये 5 टेबल स्पून है शुगर, और इसमें 5 टीस्पून लिया हुआ है कस्टर्ड पाउडर। ये मैंने वेनीला लिया है, आपको जो भी पसंद हो वो आप ले सकते हैं। ये 1 लीटर दूध है, ये बॉइल हो रहा है। इसमें हम ये पहले से भी मैंने बॉइल किया हुआ था, मैं डबल से इसको बॉइल कर रही हूँ। ये फुल क्रीम मिल्क है, इसमें हम ये शक्कर जो है अपने ये शक्कर डालेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितना मीठा आप खाते हैं उस हिसाब से आप इसको रख सकते हैं। चलिए जब तक इसमें बॉईल आ रहा है, तो ये जो हमारा कस्टर्ड पाउडर है इसमें हम थोड़ा सा पानी मिलाएंगे और इसको एक थिक पेस्ट बनाएंगे। देखिए एक थिक पेस्ट बन गया है, और ये हम धीरे धीरे ये बॉईल हो रहा है हमारा दूध, इसमें हम मिक्स करते जाएंगे और डालते जाएंगे। देखिए बहुत अच्छे से गाढ़ा हो गया है और बिल्कुल कंप्लीट है। इसको बनने में 5 मिनट भी नहीं लगते हैं। अभी अब हम अपने गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको रूम टेम्परेचर पे आने के बाद फिर फ्रिज में रख के ठंडा करेंगे और फिर इसको हम सर्व करेंगे। कस्टर्ड पुडिंग में हम सबसे पहले ये फ्रूट केक हैं, इनके लेयर लगाएंगे अपन सबसे पहले। देखिए और इसको हम कट करके लगाएंगे साइड में। देखिए ये सारी लेयर हमने लगा ली है। अब इसके साथ हम इस पे डालेंगे थोड़ा सा जूस। ये मैंने मिक्स फ्रूट जूस लिया है, आपको इसे भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जूस ले सकते हैं। इसको बहुत थोड़ा सा डालेंगे हम, जिससे ये सेट हो जाए। इसको सेट करने के लिए हमें थोड़ा सा जूस डालना पड़ता है। देखिए अब ये मैंने लिए हैं एप्पल और बनाना, ये मैंने मिक्स करके बारीक बारीक चॉप करके मिक्स कर लिए हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई से भी फ्रूट्स ले सकते हैं। अब देखिए ये हम इसके ऊपर ये मैंने फ्रूट्स की एक लेयर लगा ली है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा फ्रेश क्रीम डाल रही हूँ, आप घर की मलाई बलाई भी ले सकते हैं, इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। घर की वालाई भी आप फेंट के ले सकते हैं। देखिए ये बहुत ही क्रीमी और बहुत ही यमी बनता है। अब इसके ऊपर हम ये जो अपने कस्टर्ड बनाया था अभी, ये ठंडा हो गया है बहुत अच्छे से, और अब मैंने देखिए इतना थिक है ये, इसके लेयर लगाएंगे हम। चलिए ये एक लेयर अब इसकी हो गई है कस्टर्ड की, और अब हम ये जेलीज जो हैं स्ट्रॉबेरी और ये पाइनएप्पल, ये दोनों जेलीज मैंने मिक्स कर लिए हैं, इनकी हम एक लेयर इनकी लगाएंगे। ये हमारी जेली की एक लेयर हो गई है। अब हम बचे हुए फ्रूट्स अपने और डालेंगे इसके ऊपर। देखिए अब एक लेयर हमारे फ्रूट की भी हो गई है, और अब हम बचे हुए कस्टर्ड को भी इसके ऊपर डालेंगे। चलिए हमारी कस्टर्ड की लेयर हो गई है, अब हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे जिससे ये खूबसूरत लगे। तो मैं इसमें ये मेरे घर की बनी हुई जेलीज है ये लगाऊंगी। देखिए हमने इसको डेकोरेट कर दिया है, और अब हम इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे, जिससे ये जेली और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कस्टर्ड सेट हो जाए। देखें ये तैयार हो गया है, देखने में जितना खूबसूरत है
खाने में भी बहुत मज़ेदार है। ये मैंने 2 घंटे फ्रिज में रखा था और अब ये बाहर निकाला है। ये सेट हो चुका है खाने के लिए और आप लोग भी घर में इसको ज़रूर ट्राई करें और मेरी रेसिपीज़ को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।